उसको उठाया जाता है एक सिंहासन पे, फिर उसको दबाया जाता है। ये कैसे दबाया जाता है? ऐसे मोहरों को इस्तेमाल करके, जो मरते रहते हैं पहले से ही, जिनके पास जुबान नहीं रहती है कुछ भी बात करने के लिए, लेकिन इन लोगों को उठा के बिठाया जाता है, इमोशनली इन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, इन लोगों को लाकर खड़ा किया जाएगा और इन लोगों को भेज देते हैं इस रास्ते पे कि जाओ इसको खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पे उस इंसान की जिंदगी का क्या हिस्सा है, क्या उसका मकसद है, कोई नहीं जानता। क्यों? उसकी खामोशी उसका सबसे बड़ा जुनून है, और जब ये जाग जाती है तो खूनखार बन जाती है। इसमें ये नहीं दिखाया गया है कि हट्टा कट्टा कोई पहलवान है, कोई बॉडी बिल्डर है। हर तरह की फिल्मों में देखो, हर तरह की स्क्रिप्ट में देखो, उसके मुताबिक वहाँ पे रोल फिट किया जाता है। यहाँ पे कैरेक्टर ये दिखाया जा रहा है, एक दुबला पतला सा एक लड़का जिसको पता नहीं है कि फाइट क्या होती है, जिसको पता नहीं है कि रिवेंज क्या होता है, जिसको पता नहीं है कि ताकत क्या होती है। लेकिन पब्लिक जब यहाँ पे देखती है, अखबारों में, मीडिया में, सब में धज्जियाँ उड़ जाती हैं कि एक आदमी, उसका डर क्या है, उसका खौफ क्या है पब्लिक में, वो सिर्फ खौफ ये है कि उसका पागलपन। जब इंसान उठाकर वार करता है अपने तरीके से तो उसको स्टाइल बनाया जाता है। अगर वो तलवार उठा के अपने वार करता है पागलपन के जरिए, तो लोग डरना शुरू होते हैं, कहीं मुझको ना लग जाए। इसमें हम सीक्वेंस में ये दिखाया है कि एक पागल, एक प्रेमी, एक यूज होने वाला एक मोहरा, किस तरह से उसकी मौत होती है आखिर में जाकर। लेकिन कभी सच्चा प्यार जब जाग जाता है, जब नियत होती है उसके दिल में कि हाँ मुझे प्यार मिलना था, मैं नहीं पा सका, लेकिन ये प्यार को मुझे पाना है, तो कम से कम मैं अपना बदला तो पूरा करूँ, क्योंकि महबूबा तो छूट जाती है। लेकिन इसको यूटिलाइज इस तरह से किया जाता है कि इमोशनली उसकी महबूबा को उठा के रख दिया जाता है, जैसे कि चांद को लाकर हथेली में दे दिया। लेकिन यहाँ पे जो है, एक पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करने के लिए जो दहशत है, उसको ताकत पहले दे रहे हैं ये लोग अपने मोहरे पैदा करके, अपने मोहरे पैदा करके जो है इसको ताकत दे रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल नेटवर्क दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, लेकिन बाद में इसको यूटिलाइज करके वही पॉलिटिकल पार्टी को गिराया जा रहा है, वही बिजनेस को नीचे गिराया जा रहा है। आज देश में क्या हो रहा है पता है? सिर्फ ब्रिटिश ने एक ही रूल कहा है कि डिवाइड एंड रूल, तोड़ दो देश को, लेकिन सिर्फ प्यार से। यहाँ पे नफरत से पैदा करोगे ये लोग भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि पागल हो जाएंगे लोग। लेकिन यहाँ पे दिखाया यह जा रहा है कि इनको तोड़ो प्यार से, देश के जगह जगह जितने भी राज्य है टुकड़े कर दो, उत्तर को अलग कर दो, दक्षिण को अलग कर दो, पूरब को अलग कर दो, पश्चिम को अलग कर दो।